हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ सर्च एल्गोरिदम वर्क, मीन्स गूगल का सर्च एल्गोरिदम है वो किस तरह से वर्क करता है। और मेरा टॉपिक जो रहेगा इसमें स्पेशली हम मैं कवर करूंगा बैकलिंक्स के बारे में, क्योंकि मुझे स्पेशली पिछले लास्ट वीडियो में लोगों ने कमेंट किया था बैकलिंक्स। एंड उसके आगे फिर मैं बात करूंगा बैकलिंक इंडेक्सिंग कैसे होता है, कि गूगल उसको रीड कैसे करता है। सो ये सब सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे इस शॉर्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, देख सकते हैं कि ये गूगल का एक ब्लॉग है जो कि गूगल के डोमेन पर है, एंड इसको भी किसी न किसी ऑथर ने लिखा होगा, किसी न किसी राइटर ने, हाउ सर्च एल्गोरिदम वर्क, ये कैसे वर्क करता है। तो इसके जर्नली गूगल जो है 200 से ज़्यादा, मोर देन 200 एल्गोरिदम के क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू वो सर्च करता है और गूगल आपको सर्च का रिजल्ट देता है। तो बैकलिंक्स मैं इस पे कवर करूँगा। बैकलिंक्स इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि बैकलिंक कैसे देखता है। मैं इसके नीचे, ये मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, मैं इसके नीचे एक गूगल की तरफ से दिया हुआ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि हाउ टू, ये क्यूरी है, कोई यूजर सर्च कर रहा है और जिसको गूगल बैकएंड से अंडरस्टैंड करता है, हाउ टू चेंज ए लाइट बल्ब। सो एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो है रिप्लेस, हाउ टू रिप्लेस ए लाइट बल्ब। बट अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू चेंज ए लाइट बल्ब, तो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गूगल वर्क करता है सर्च एल्गोरिदम के लिए। वो समझ जाता है कि यूजर्स का इंटेंशन क्या है, कि वो ऐसा कंटेंट ढूंढना चाह रहा है कि रिप्लेस कैसे करना है, लाइट बल्ब कैसे रिप्लेस करना है, उससे रिलेटेड वो आपको रिजल्ट देगा वेदर आप चेंज वर्ड यूज करें। सेकेंड एग्जाम्पल में ऐसा ही है, डस पोस्ट ऑफिस चेंज, वो एग्जैक्टली एक्सचेंज वर्ड है फॉरेन करेंसी। सो पोस्ट ऑफिस में फॉरेन करेंसी चेंज होती है या नहीं, तो गूगल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप क्या बिहेव करते हैं या आप कैसे सर्च करना चाहते हैं उसको रीड करता है और उसके अकॉर्डिंगली जो उससे रिलेवेंस रिजल्ट होता है वो देता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकेंड वाले में आप सेम डिक्टो यूआरएल बना दें पोस्ट का या टाइटल दे दें, बट गूगल जो इस पे एक्सचेंज वर्ड प्रॉपर होगा उसी को वो रिजल्ट दिखाएगा। एंड ऐसे ही लास्ट एग्जाम्पल में भी ऐसा है, हाउ टू चेंज ब्राइटनेस ऑन ए लैपटॉप। सो वो चेंज से ज़्यादा सूटेबल वर्ड जो है, हाउ टू एडजस्ट ब्राइटनेस ऑन द लैपटॉप। सो दोस्तों, ये गूगल का एक सर्च पैटर्न है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है और समझ जाता है कि किस टाइप का क्यूरी एज ए यूजर्स को चाहिए। तो दोस्तों, इसी को लेकर अगर आगे आप बैकलिंक्स बनाते हैं, तो बैकलिंक्स को मैं एक डिफाइन कर देता हूँ कि बैकलिंक्स में काफ़ी टाइप्स हैं, लाइक अलग अलग प्रोवाइडर्स ने उसको, प्रोवाइडर्स लाइक दस मोज ने डोमेन अथॉरिटी एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर डोमेन का अथॉरिटी यूज होता है। गूगल पेज रैंक यूज करता है, एचरेफ का अपना अलग डोमेन रेटिंग है। सो फाइनल जो है कॉल कि डोमेन कितना पावरफुल है, मीन्स उस पे कितने विजिटर्स आते हैं जहाँ से आप बैकलिंक्स लेंगे, और कितना पॉपुलर है, कितना ओल्ड है, ये सब सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। वो डोमेन अथॉरिटी में बोलिए या पेज रैंक में बोलिए या फिर किसी भी और पैरामीटर से देखिए, गूगल देखता है कितने वेल नोन मीन्स पॉपुलर डोमेन से आपके पास लिंक आ रहा है, और उसकी पॉपुलरिटी का कैलकुलेशन यही सारी चीज़ों पे बेटर करता है कि उसके ऊपर कितने विजिटर्स हैं और कितने बैकलिंक्स उस डोमेन पर हैं, वो डोमेन कितना पॉपुलर है, तो उसी के हिसाब से डीए कैलकुलेट होता है मोस्ट का। तो आप जब बैकलिंक बनाएंगे तो आप ये देखिए कि जिस डोमेन पर आप बैकलिंक बना रहे हैं वो डोमेन कितना पॉपुलर है, उस पर कितने विजिटर्स हैं और क्या उसका रेटिंग है, इस हिसाब से आप बैकलिंक बनाइए। अननेसेसरी बैकलिंक बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप किसी लो अथॉरिटी डोमेन का बैकलिंक्स बनाते हैं तो आपकी नंबर ऑफ बैकलिंक बढ़ाएगा बट आपकी रैंकिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जिस साइट पर अच्छे विजिटर्स आते हो, जिस साइट पर ज़्यादा पॉपुलरिटी हो या जिस साइट का नाम हो, रैंकिंग हो, और उसका एज, डोमेन का एज भी काफ़ी ओल्ड, पुराना वेबसाइट हो, उस पर आप बैकलिंक बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बैकलिंक एज ए फायदा, आपकी वेबसाइट के लिए फायदा देंगी। तो बैकलिंक बनाते कैसे हैं वो भी आपको सिंपली है कि आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर लिंक दे देते हैं। वेब लाइक
फर्स्ट ऑप्शन आता है, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं किसी भी ब्लॉग पर जाकर, तो वो एक टाइप बैकलिंक है। या फिर गेस्ट पोस्टिंग है कि आप पर्टिकुलर एक पोस्ट लिख रहे हैं और उसमें आप आपका बैकलिंक दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पे आप यहाँ पर दे सकते हैं कि ये एक पोस्ट लिखा है और ये पर्टिकुलर बॉडी के अंदर बैकलिंक दिया हुआ है। सो इस टाइप के बैकलिंक्स जो है गूगल रीड करता है और गूगल उसको बहुत प्रायोरिटी देता है। और सेकंड, आप बैकलिंक्स कहीं पेड करवाते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके थ्रू भी आपको बैकलिंक्स आते हैं, वो भी गूगल उसको नेगेटिव नहीं समझता। जो पेड बैकलिंक है वो अदर एडवर्ड के हो या फिर दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर हो। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने 9 बैकलिंक्स की लिस्ट दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं और आप भी बैकलिंक बना सकते हैं। दोस्तों, ये तो ओवरऑल हो गई बात बैकलिंक्स की, कि बैकलिंक्स बन गए, लेकिन अभी वो बैकलिंक्स गूगल कब रीड करेगा और कब आपको उसका बेनिफिट देगा। तो गूगल जब भी बैकलिंक उस साइट को क्रॉल करेगा और आपका बैकलिंक रीड करेगा, और उसका कोई भी टाइम फ्रेम गूगल की तरफ से ऐसा नहीं दिया जाता है कि ये कितने दिन में क्रॉल करेगा। कुछ वेबसाइट वो दिन में कई बार क्रॉल करता है, कुछ वेबसाइट एवरी डे, कुछ वेबसाइट अल्टरनेट डेज पर, और कुछ वेबसाइट्स को वो वीकली या मंथली, या कुछ वेबसाइट को वो क्रॉल करता ही नहीं है। सो ओवरऑल अगर आपका खुद का डोमेन है, नया डोमेन है या नया पोस्ट है आपने बनाया है, नया यूआरएल, और आपको अगर उसको इंडेक्सिंग कराना है, मीन्स गूगल पे रीड कराना है, तब आप गूगल वेब मास्टर टूल्स के थ्रू उसको आप रीड करा सकते हैं। सो लाइक जिस तरह से आप ये यूआरएल टाइप करेंगे तो गूगल जितने भी पेज इंडेक्स किया हुआ है, गूगल ने जितने भी पेज रीड किया है, मेरे के एग्जांपल में आप देख सकते हैं 177 पेजेस गूगल ने रीड किया है, क्योंकि इसमें इतने ही पेजेस हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा मेथड यह है कि आप डायरेक्टली सर्च कंसोल में जाइए और न्यू वर्जन में, ये अभी तो न्यू वर्जन ही चल रहा है, एंड यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर अपने यूआरएल को क्लिक कर दीजिए। गूगल उसको रीड करेगा वेदर उसने इंडेक्स किया है या नहीं किया है। अगर उसने इंडेक्स नहीं किया होगा तो आगे आपको ऑप्शन देगा, अगर ऑलरेडी इंडेक्स किया हुआ है तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि लास्ट टाइम उसने कभी इंडेक्स किया था। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। और कवरेज ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये यूआरएल है, साइट मैप है, और लास्ट टाइम उसने 25 जैन को मेरा ये यूआरएल 4:11:57 पर उसने रीड किया है, गूगल ने ये मेरा साइट को क्रॉल किया है। और अगर इसके अलावा मुझे वापस से, मैंने कोई पेज में चेंजेस किया है और मुझे उसको वापस से क्रॉल कराना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ होता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उस यूआरएल को वापस से री इंडेक्स कर देगा। इसमें करने के बाद भी समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी वो 1 से 2 घंटे टाइम भी लगा लेता है। तो दोस्तों, ये रहा इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, गूगल ने सक्सेसफुली ले लिया है और अपने क्यू डेटाबेस में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो डेटाबेस फुलफिल होगा वहाँ पर मेरा यूआरएल ये वापस से री इंडेक्स हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी साइट गूगल वेब मास्टर टूल्स पर है तब भी आप यहाँ से एक लिंक ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप आपके सारे लिंक्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक्सटर्नल लिंक हैं, ये इंटरनल लिंक्स हैं, और टॉप लिंक साइट्स भी अवेलेबल है गूगल के अंदर। तो यहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितने बैकलिंक्स आपकी साइट्स पर आ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और कौन से पेज पर हैं, वो आपको सारी चीज इंफॉर्मेशन यहाँ दिखेगी। आप नए बैकलिंक की साइट कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए सबसे सिंपल इजी मेथड है कि आपको पेड टूल कुछ यूज करना पड़ेंगे और आपके कंपटीटर या फिर आपके रिलेवेंसी वेबसाइट्स कहाँ से बैकलिंक ले रहे हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, और रेगुलर एक्टिव रहना रहेगा ताकि आप नए नए बैकलिंक्स जनरेट कर सकें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो बैकलिंक्स एंड इंडेक्सिंग के ऊपर। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्यूरी है, आपको आपका ब्लॉग रन करने में प्रॉब्लम्स आ रहा है या इंडेक्सिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।